अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार कर्जे से पनाह मांगते रहते हैं तो सबक राम ने पूछा अल्लाह के रसूल आप इतना ज्यादा पनाह क्यों मांगते हैं कर्जे से इतना ज्यादा दूर क्यों भागते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं कर्जे से पनाह बार बार इसलिए मांगता हूं कि जब आदमी कर्ज ले लेता है तो दो खराबियां उसमें पैदा होती हैं जो बंदा कर्ज लेता है ना उसमें दो खराबियां पैदा होती हैं सबसे पहली खराबी ये कि उसमें झूठ पनपना शुरू कर देता है वो झूठ बोलना शुरू कर देता है और वादा खिलाफी करना शुरू कर देता है और आज हम देख रहे हैं कि कर्ज लेने वाला वो कर्ज लेने के लिए आता है किसी दोस्त से कहता कि भाई मैं एक माह में कर्जा वापस लौटा दूंगा एक हफ्ते में कर्जा वापस लौटा दूंगा दो महीने में कर्जा वापस लौटा दूंगा जो जबान देकर कर्जा लेकर जाता है ना वो कभी अपने जबान पर करदा वापस नहीं कर पाता है इल्ला माशा लेकिन कॉमन सोसाइटी के अंदर एक कसीर तदाद में लोग जो जबान देते हैं उस पर कभी भी टाइम पर लाकर नहीं देते हैं हफ्ता बोला तो चार हफ्ते गुजर गए लेकिन कोई अता पता नहीं एक महीना बोला बल्कि साल गुजर जाता है लेकिन कोई अता पता नहीं जब मुलाकात हो जाती है तो झूठ बोलना शुरू कर देते हैं अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए झूठ का सहारा लेना शुरू कर देता है है जो वादा वो करता है, वादा करता खिलाफी करने पर मजबूर हो जाता है इसीलिए जिंदगी में आदमी को करदे से पना मांगते रहना चाहिए क्योंकि वो झूठ बोलना शुरू कर देता है और वादा खिलाफी करना शुरू कर देता है ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें